हेलो एवरीवन वेलकम टू द टेक्नोम यूट्यूब चैनल तो आज वाली वीडियो होने वाली है वेमनी काम पुणे के कॉलेज के बारे में तो यहाँ पे जो आपका कोर्स ऑफर होता है पीजीडीएम जी का जो दो साल का डिप्लोमा का कोर्स है केवल उसके बारे में बात करेंगे और भी कोर्सेज़ ये कॉलेज ऑफर करता है उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं ठीक है तो कुछ जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं जो मैनेजमेंट करना चाहते हैं एग्री बिजनेस में तो वो स्टूडेंट यहाँ पे जा सकते हैं मैनेजमेंट के लिए ठीक है तो पुणे में बात करें तो दो तीन कॉलेजेस हैं आपका एस आई पुणे मैंने ऑलरेडी रिव्यू बना रखा है उस पर जो कि सेम बॉयस कॉलेज है और उनके अलग से स्नैप के एग्जाम होते हैं उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं वहाँ पर अब उसके बाद आपका एमनी कॉम पुणे का कॉलेज आता है इसके अलावा एक कॉलेज और है मिड कॉन करके वो भी आपके ए वी एम के कोर्स ऑफर करते हैं तो ये सभी कॉलेज आपके प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं तो जिनके पास भाई फाइनेंशियल अच्छा है और जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं कैट में और कहीं दूर जाना नहीं चाहते पुणे के आसपास में हैं तो आप ऐसे कॉलेज में जा सकते हैं आसानी से प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा खासा है एज़ कंपेयर टू अदर कॉलेजे उतना अच्छा नहीं है बट आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाता है ठीक है फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है आपको सात लाख के करीब फ़ीस लगने वाली है अभी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर देंगे क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है कैट सीमेंट जेट और भी एग्जाम होते हैं उनकी कितने परसेंटेज आपको चाहिए होती है प्लेसमेंट कैसा रहता है सब कुछ के बारे में इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा ठीक है इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमें आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली डी कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं तो इसका पूरा नाम है वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जो कि 1964 में इस्टेबलिश हुआ था इससे पहले ये कॉलेज एज अ कोऑपरेटिव ग्रुप में चलाया जा रहा था और जिसके बहुत ही मेन uh, जो नायक थे वैकुंठ मेहता जी उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं ठीक है ये पुणे में आता है आप जो लोग भी ए बी एम लेना चाहते हैं तो उनके लिए कॉलेज है उसके अलावा भी दो तीन कोर्सेज़ हैं आपका पी जी डी सी एम बी में और डिप्लोमा एम सी यू में और कुछ पी जी -E डी के कोर्स ऑफर होते हैं यहाँ पे ठीक है तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो सभी ग्रेजुएट कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर वाले ले सकते हैं तो अगर अपीयर हैं कैट मैट जैट एटमा सी मैट जैसे एग्ज़ाम में आपके स्कोर आए हैं ठीक ठाक तो आप पर्टिकुलर एम कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो अप्लीकेशन का फॉर्म होता है कैट uh, के फॉर्म भरते टाइम पे आपको नहीं दिखेगा अलग से आपके इनके वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जब आपके रिज़ल्ट लग जाते हैं उसके बाद से ठीक है तो ग्रेजुएट होने चाहिए आपके 50 परसेंट मार्क्स होने ही चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और जो अदर कैटेगरी में आते हैं आपको 45 परसेंट मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ठीक है तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं आती भाई प्रोसेस में बहुत ही सिंपल प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ तो एडमिशन के दो तीन ही प्रोसेस हैं आपको कैट या सीमेंट जैड में अच्छा परफॉर्मेंस करना है और हाँ भाई जितने लोग भी इस बार नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फॉर्म फिलअप किए हैं आप से भी फ्रीडम सेल चालू है ऑली बोर्ड की वेबसाइट पे थर्टी फाइव परसेंट का ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज़ के लिए आप फ्रीडम कोड यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं इसको यूज़ करने के बाद आप थर्टी फाइव परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हैं इनके नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्स पे तो जितने लोग भी इस पर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप प्लीज़ जाके चेकआउट ज़रूर करिए इनके डेमो वीडियोस और फ्री जो मटेरियल वगैरह दिए गए हैं आप प्लीज़ उन्हें चेक करिए डिस्क्रिप्शन में दि लिंक दिया गया है तो भाई जिनको कम बहुत ही कम प्राइस में अच्छा खासा कोर्स बाय करना है तो आप प्लीज़ जाके चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तो अगर आपके परसेंटेज उतने अच्छे नहीं आए हैं एट्टी के अबब नहीं आए हैं एट्टी के एब नहीं आए हैं तो अगर आप 65 75 के बीच में हैं तो आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर से हैं थोड़ा सा वेटेज आपको और भी मिल जाता है इस कॉलेज के लिए तो उसके बाद जैसे ही आप कैट में अपीयर होते हैं उसके बाद से आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको लगता है कि भाई हाँ सिक्सटी फाइव परसेंट आइल पर इस कॉलेज को मैं ट्राई करना चाहिए तो आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके इनका एप्लीकेशन फॉर्म फ़िलअप कर दीजिए हज़ार बारह सौ रुपये का होगा उसको बनने के बाद आपको कॉल करेंगे ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए और कुछ ही ग्रुप डिस्कसन और पर्सनल इंटरव्यू के जो सेंटर होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं बड़े बड़े शहरों में ही ये ये चीज़ें होती हैं ठीक है तो आपको जहाँ पे बुलाया जाएगा वहाँ पे जाना पड़ेगा ये तीन राउंड होने के बाद आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा ठीक है तो इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है कि भाई आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना जो लोग भी एग्रीकल्चर के लिए आ रहे हैं एबीएम कोर्स के लिए बस आपके मार्क्स आए हों आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर ठीक है तो ये बात होगी एडमिशन प्रोसेस की तो आप कैट की जो पर्सेंटाइज है उसको टेंशन मत लीजिए आपके ग्रेजुएसन की प्रोफाइल पर टेंशन मत लीजिए अगर आपके बाय चांस मार्क्स नहीं आ पाए उतने अच्छे आ, अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स आए तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा यहाँ पर जाना अगर आप एटी फाइव प्लस हैं तो आप मैनेज हैदराबाद को ट्राई कर सकते हैं और शरमा का कॉलेज है गुजरात में उसके लिए ट्राई कर सकते हैं जो कि ए बी में काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस हैं तो आप उसके लिए जा सकते हैं अगर आपके पर्सेंटाइल कम आए हैं और घर वाले बोल रहे हैं भैया ड्रॉप मत लो फाइनेंशियल वगैरह ठीक ठाक है आपका तो आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हैं ठीक है तो अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं आगे तो यहाँ पे आपको 7.2 लाख रुपए देने पड़ेंगे दोनों साल के इसमें सारी फीस इंक्लूड है आपकी फ़र्स्ट ईयर में थ्री टर्म होते हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म मिला के आपके तीन लाख पाँच हज़ार तीन सौ पचहत्तर रुपये लगने वाले हैं और जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं उसमें भी आपके थ्री टर्म होते हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मिला के आपके तीन लाख के करीब फीस लग जाती है तो दोनों ईयर के मिला के आपकी ट्यूशन की फ़ीस और हॉस्टल वगैरह की फ़ीस जोड़ के आपकी छः लाख उन्नीस हज़ार रुपये फ़ीस आती है ठीक है तो ज उसके अलावा आपके अदर चार्जेस रहते हैं कुछ डिपॉज़िट ले लेते हैं जो लाइब्रेरी वगैरह की फ़ीस रहती है उसमें डिपॉज़िट वगैरह ऐड करके लॉजिंग की फ़ीस ऐड करके आपकी जो एक लाख अठारह हज़ार की फीस है वो ऐड कर देते हैं इसमें तो टोटल मिला जुला के आपको सात लाख बीस हज़ार रुपये लगने वाले हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना कि भाई आपकी जो फीस है इतने करीब लगेगी और आपको हर इंस्टॉलमेंट जो इनका बना होगा उसके हिसाब से आपकी फ़ीस दे सकते हैं बैंक की भी सुविधा अवेलेबल रहती है तो भाई यहाँ पे जिनका फाइनेंशियल नहीं ठीक है वो ना ही जाएं क्योंकि बैंक से लोन ले लिए और उतना प्लेसमेंट तो हो जाता है ठीक ठाक बट उतने अच्छे खासे पैकेजेस नहीं जाते हैं इस कॉलेज के आपका सिक्स पॉइंट एट जो है इनका एवरेज पैकेज है उसके नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं पाँच छः के करीब भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं तो फीस ले रहे हैं इतना तो प्लेसमेंट आपका अच्छा होना चाहिए जिनके अच्छे खासे फाइनेंशियल हैं कि हाँ भाई आराम जाके वहाँ पे दो साल चील करेंगे कोई टेंशन नहीं है हम प्लेसमेंट तो हमको मिल ही जाएगा इतने का तो उतने हम खुश रहेंगे तो वो जा सकते हैं आसानी से कोई टेंशन नहीं है तो ये हो गया आपके फ़ी स्ट्रक्चर की बात अब कुछ प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो इनकी वेबसाइट पर प्लेसमेंट बोला गया है कि हंड्रेड प्लेसमेंट हम करा देते हैं और एवरेज जो पैकेज हमारा रहता है सिक्स लाख का ही रहता है ठीक है और इन्होंने नाम भी दे दिया है जितने स्टूडेंट हैं सबके नाम दिए हैं और कौन कौन से कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं उन वो भी सब दिया गया तो प्लेसमेंट तो आपका हो जाता है अभी हमारे भी एक सीनियर मैम हैं जिनका भी प्लेसमेंट हुआ है पिछले साल ही सिक्स पॉइंट फाइव के करीब उनका पैकेज लगा है तो आप मान सकते हैं प्लेसमेंट आपका हो जाएगा पर पैकेज उतना ज़्यादा नहीं है इस कॉलेज का ठीक है तो ये है आपका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड और कुछ कंपनी है मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप भी इन्होंने दिखाया है कि भाई हमारा स्कॉलरशिप मिलता है तो जो एस सी एस टी कैंडिडेट होते हैं दो लोग को यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाता है इफको स्कॉलरशिप नाम करके है पंद्रह हज़ार रुपये पर एन के रूप में और एक एन सी यू आई इस्कॉलरशिप देते हैं चालीस हज़ार रुपये पर एन एम छः स्टूडेंट को एज़ पर द नॉर्म्स जो उनके नियम कानून होंगे उसके हिसाब से छः स्टूडेंट को चालीस हज़ार पर मंथ पर एन के रूप में मतलब दो साल में आपका अस्सी हज़ार रुपये फीस रिटर्न हो जाएगी स्कॉलरशिप के रूप में और जो इंटर्नशिप वगैरह भी ऑफर होते हैं तो वहाँ पे भी आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाता है तो ये था आपका वीडियो बेमनी काम पुणे के कॉलेज के बारे में तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूल ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद